तो ये बताइए कि अगर आप पीपल फार्म में अभी काम ना कर रहे होते तो आप क्या कर रहे होते? घर में ही होना था। फोन नहीं करती। नहीं करते काम? घर पे रहते? घर पे रहते। मैं घर में होती काम करती, घर में बैठी होती खाना बनाती। पता नहीं यार, पीपल फार्म में काम नहीं कर रहा होता तो कहीं दिहाड़ी मजदूरी कर रहा होता, किसी कंपनी में जॉब कर रहा होता। दूसरी जॉब जो कर रहा हूँ वो कर रहा होता पूरा। कैसा जॉब? बेल्डिंग का प्रिंसिपल हूँ कॉलेज में, वही कर रहा होता पूरा दिन। डॉक्टर अंकित के साथ उनके कॉलेज के क्लिनिक में होता। घर में कोई सिलाई वगैरह कर लेती या कुछ और, या तो कंपनी में होता या तो फिर ITI की है मैंने, कारपेंटर की, या तो फिर दुकान दुकान में होता कहीं। घर पे अपने बच्चों को नहला धुला के ट्यूशन भेज रही होती, 11 बजे उनकी ट्यूशन है। घर पे होती कहीं और काम कर रही होती, मतलब यही काम? नहीं कुछ और कर रही होती। सो मैं स्टिल फोटोग्राफर रहता बैक इन पुणे, कुछ ना कुछ हेल्पफुल ही करता जिससे लोगों को मदद हो जाए, मेरे स्किल्स इसके लिए यूज़ करता जिससे लोग और सब जानवरों को मदद हो जाए। तो मैं किसी स्कूल में होती। स्कूल में पढ़ रहे होते या सब होते? पढ़ा रही होती। पढ़ा रहे होते? यार मैं टीचर हूँ तो आई थिंक मैं कहीं पढ़ा रही होती किसी स्कूल में, या खुद पढ़ रही होती, समथिंग लाइक दैट मे बी। I probably would be rescuing animals, but I'd be doing it in the US instead. Awesome. जी मैं कहीं पे इंटीरियर डिजाइनिंग कर रही होती। अगर आप पीपल फार्म की co-founder ना होती तो अभी आप कहाँ होते और क्या कर रहे होते? आई थिंक मैं US में ही होती अभी, और किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती जो लोकल कम्युनिटी के लिए कुछ कर रहा है वहाँ पे, और कविता लिख रही और कविता लिखने के लिए ज़्यादा टाइम होता। हाँ डेफिनेटली कहीं पे एक बेकार सी जिंदगी जी रहे होते पता नहीं। मैं पहले जॉब दिल्ली में करता था ना, भैया के जानने वाले थे, रिलेटिव थे इनके, मैं ज्वेलरी का शोरूम था वहीं काम करता था मैं तो 20 साल से काम कर रहा हूँ वहाँ पे। अच्छा। हाँ जी। किसी गांव में ही होती और क्योंकि मैं फैशन डिज़ाइनर थी तो शायद मैं किसी खादी वीवर या खादी आर्टिसन के साथ मैं वहाँ पे सीखने जाती, उनके साथ काम करती, तो उसी में कुछ करती शायद से। अगर मैं पीपल फार्म में काम नहीं कर रहा था तो मैं किसी कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेट की जॉब कर रहा होता। अच्छा, तो आप वहाँ क्यों नहीं है? वहाँ इसलिए क्योंकि जहाँ लिखा है नसीब वहाँ बंदा पहुँच जाएगा। अब एनिमल लवर के पास मेरे को लिखा था कि यहाँ के मैं जॉब करूँगा, एनिमल्स की केयर करूँगा, तो हम यहाँ पहुँच गए।